60 का दशक सिनेमा प्रेमियों के लिए बेहद यादगार है, क्योंकि इस दशक में कई सारे नए कलाकारों ने फिल्म जगत में प्रवेश किया और बेमिसाल फिल्में देकर अगले 30-40 साल चर्चित रहे। पर उन कलाकारों में एक एक्ट्रेस ऐसी भी आई जिसका फिल्मी सफर जोरदार चला, पर शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरियां बना ली। आज के समय शायद ही कोई उन्हें जानता हो, पर अपने स्टार माँ और पिताजी के कदम चिन्हों पर कदम रखकर उन्होंने भी अच्छी खासी पहचान बनाई थी। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि आज की कहानी मशहूर एक्ट्रेस राजश्री पर है। मैं हूँ आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। जरा देख तो कितनी प्यारी जगह है। हाय, इसके हवा में भी जादू है। चल उठ, तैयार हो जा, फिर हम घूमने चलते हैं। पानी तो गर्म होगा ही, मैं जाके जल्दी से शॉवर बांध लेती हूँ, बाद में तुम नहा लेना। हाँ, अरे तू अभी तक उठी नहीं। तुम यहाँ में आ गए। राधा कहाँ है? बदमाश कह के मैं भी मैनेजर को बुलाती हूँ। मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी। क्या कहोगी पुलिस को? मैं कहूंगी कि एक लफंगा जबरदस्ती मेरे रूम में घुस आया है और मुझसे छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को बुलाने से पहले देख लीजिए मैम साहब, कौन किसके कमरे में आया है। क्या तुम, आप मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं इसे 206 समझ के आई थी। मैंने पढ़ा भी था, लेकिन पता नहीं मुझसे ऐसी भूल कैसी होगी। मैं कसम, अभिनेत्री राजश्री के माता पिता के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1944 को मुंबई में हुआ था, वो भी जाने माने डायरेक्टर वी शांताराम के घर में। वी शांताराम साहब अपने कलात्मक फिल्म शैली के लिए आज भी जाने जाते हैं। राजश्री की माँ भी कुछ कम प्रसिद्ध नहीं थी। डॉक्टर कॉटनिस की अमर कहानी और परछाई 50 के दशक की इन दो फिल्मों के साथ लाइमलाइट में आई जयश्री उनकी माँ थी। आपको बता दूं कि जयश्री और राजश्री, इन दो नाम को लेकर आज भी कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। राजश्री का सफर बचपन से ही फिल्मी रहा, क्योंकि उनके घर में सभी लोग फिल्म से जुड़े थे। बतौर चाइल्ड एक्टर शुरुआत करने वाली राजश्री को हमेशा से हीरोइन बनना था, इसीलिए पिताजी वी शांताराम ने उनकी इच्छा पूरी की। उस दौरान राजश्री की उम्र 10 साल की थी और साल 1954 में बतौर चाइल्ड एक्टर उनकी पहली फिल्म सुबह का तारा रिलीज हुई। इस फिल्म में छोटी राजश्री ने धमाका मचा दिया। इतनी कम उम्र में उन्होंने कलाकारी का बेहद खूबसूरत नमूना पेश किया। आपको बता दूं कि इस फिल्म में उनकी माँ जयश्री मुख्य किरदार में थी, जिन्हें अभिनेता प्रदीप कुमार का साथ मिला। अपने फिल्मी करियर के दमदार शुरुआत करने के 6-7 साल बाद ही उन्हें बतौर हीरोइन काम मिलना शुरू हुआ, पर इस बार उन्हें अपने पिताजी के सपोर्ट के बिना काम मिला था, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अभिनेता मनोज कुमार की 1963 में रिलीज हुई शहनाई और घर बसा के देखो, इन दो फिल्मों में राजश्री ने बतौर हीरोइन काम किया था। पर ज्यादातर लोगों को लगता है कि राजश्री ने जितेंद्र के साथ गीत गाया पत्थरों ने इस फिल्म में काम किया, जिसमें वो पहली बार एक्ट्रेस के रूप में दिखी। पर आपको बता दूं कि 1964 में रिलीज हुई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने राजश्री की पहली सुपरहिट फिल्म थी, जिसे पिताजी वी शांताराम ने बनाई। इस फिल्म के साथ अभिनेता जितेंद्र ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत की थी। इस फिल्म के रिलीज के बाद राजश्री ने सफलता के वो सारे सितारे देखे जो हर एक के बस की बात नहीं थी। जबरदस्त खूबसूरती, अभिनय और नृत्य कला में निपुण राजश्री ने कई सारे सुपरहिट फिल्मों में काम किया और देखते ही देखते वो बन गई हिंदी सिनेमा की स्टार अभिनेत्री। साल 1965 में अभिनेता शम्मी कपूर के साथ उनकी जानवर फिल्म आई, जो उनकी लगातार दूसरी हिट फिल्म थी। इस फिल्म का एक गीत
लाल छड़ी मैदान खड़ी आज भी पसंद किया जाता है। इसके बाद जितेंद्र के साथ उनकी दूसरी फिल्म आई। 1967 में रिलीज हुई उस धमाकेदार फिल्म का नाम था गुनाहों के देवता। राजश्री अपने जमाने की हीरोइन थी जिसने लगातार हिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी। 50 और 60 का दौर मधुबाला, सुरैया, नरगिस जैसे अभिनेत्रियों के लिए प्रसिद्ध रहा था, पर 1960 के बाद राजश्री की खूबसूरती के लाखों दीवाने आने लगे। राजश्री के एक्टिंग के साथ क्लासिकल डांस के भी लोग दीवाने बनने लगे थे। कुछ लोगों का कहना है कि जब राजश्री स्क्रीन पर रोती थी तब आंसुओं से भरे उनकी आंखें भी देखने लायक होती थी। सफलता के इतने नजदीक पहुंचने के बाद एक किस्से ने उन्हें दूसरी ओर मोड़ लिया। दरअसल साल 1967 में राजश्री अभिनेता राज कपूर के साथ अराउंड द वर्ल्ड इस फिल्म में काम कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग अमेरिका में हो रही थी और वहां राजश्री की मुलाकात एक अमरीकी लड़के ग्रेग चैपमैन से हुई। कुछ दिनों के बाद उनकी मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई और 3 साल के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद राजश्री ने अमेरिका बसने का फैसला लिया और इस तरह उन्होंने फिल्म जगत से दूरियां बना ली। कहा जाता है कि उन्होंने कई सारी फिल्मों को आधे में भी छोड़ दिया था, जिसमें जितेंद्र की नैन मिले चैन कहां भी शामिल है, जो कभी रिलीज नहीं हो पाई। 1973 की नैना उनकी आखिरी फिल्म थी। बेटी के इस फैसले का कदर करते हुए वी शांताराम ने ग्रेग और राजश्री की शादी भारतीय पद्धति से करवाई और इस समारोह में 15,000 लोगों ने उपस्थिति भी दर्शाई थी। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि ग्रेग ने अपना नाम बदलकर गौतम भी किया था। ग्रेग से उन्हें एक बेटी चंद्रिका भी हुई। यूएसए में बसने के बाद राजश्री ने तुरंत ही अपने पति के फैशन और अन्य बिजनेस में अपना योगदान दिया। आज के समय राजश्री 76 साल की हो चुकी है और अपने परिवार के संग खुशहाल जिंदगी जी रही है। भारत में उनका आना जाना सिर्फ समारोह के लिए होता है। राजश्री को एक भाई किरण शांताराम है जो ज्यादातर मराठी फिल्म जगत में सक्रिय है। उनका फिल्म जगत से रिश्ता कब का टूट चुका है, पर आज भी राजश्री ये नाम लेते ही उनकी खूबसूरती याद आती है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।